पिथौरागढ़ निवासी 65 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी शोभनलाल वर्मा डायबिटीज से ग्रसित हो गए थे, जो नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। इससे उनका शुगर लेवल इतना अधिक हो गया कि दोनों पैरों में संक्रमण फैलने लगा। इससे उन्हें दोनों पांव कटवाने पड़े। सेवानिवृत्त के दौरान मिली धनराशि इस उपचार में ही खत्म हो गई और जीवन भर की बचाई गई जमा पूंजी भी बीमारी की भेंट चढ़ गई। इससे जीवन के 65 वर्ष में शोभनलाल वर्मा की जिंदगी जीने की लालसा ही मृत हो गई। इसी कारण शोभनलाल वर्मा ने प्रशासन को इच्छा मृत्यु का प्रार्थना पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने अपने हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि अब उनके पास आगे का जीवन जीने और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जीवन में अब असहज और हताश महसूस कर रहे हैं, इसके चलते अब वो जीना नहीं चाहते। इच्छा मृत्यु के लिए दिव्यांग बुजुर्ग ने प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।